है दोस्तों, तीन और कोर्सेज के रिजल्ट आ गए हैं जो कि ग्रेजुएशन के रिजल्ट हैं। जिन्होंने 12वीं के बाद जामिया में एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट दिए थे, उनका तीन कोर्सेज का और रिजल्ट आ गए हैं। कोर्सेज का नाम है बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड बैचलर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट एंड बैचलर ऑफ वोकेशंस इन फूड प्रोडक्शंस। इन तीन कोर्सेज का अभी हाल फिलहाल में रिजल्ट और आ गया है और डिप्लोमा इंजीनियरिंग का भी रिजल्ट आने वाला है। आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, उसके लिए सॉरी, ऑफिशियल अभी अपलोड नहीं किए हैं। आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग का सेल्फ फाइनेंस का भी रिजल्ट आने वाला है और स्पॉट रजिस्ट्रेशन का भी रिजल्ट आने वाला है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहिए, जैसे रिजल्ट आता है मैं आप तक फ्री में पहुँचाऊँगा। उसके साथ इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पर बने रहिए। आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ नॉलेज मिलती रहेगी जिससे आपकी ज़िंदगी में हमेशा तरक्की होती रहेगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो कोर्सेज का नाम है वो है बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट है, ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट है, उसके साथ साथ फूड प्रोडक्शन के हैं। और ये जो है बेस्ड ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन, यानी स्पॉट रजिस्ट्रेशन में जिन्होंने अप्लाई किया था उन्हीं का इसमें रिजल्ट आया है। तो स्पॉट रजिस्ट्रेशन का देखिए कितना फ़ायदा हुआ है और अच्छे खासे कैंडिडेट्स इस लिस्ट में सिलेक्ट हुए हैं, आप देख सकते हैं इस वीडियो में। इसके साथ साथ आप देखेंगे जिनका सिलेक्शन हुआ है इस लिस्ट में, उनका एडमिशन होगा 3 सितंबर और 4 सितंबर को दोपहर 1 बजे तक। और इन लोगों को जाना होगा फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड लैंग्वेज में, जो आप वीडियोस में देख सकते हैं, इस वीडियो में देख सकते हैं कि फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड लैंग्वेज में जाके एडमिशन लेना होगा। और उसके साथ साथ 3 सितंबर और 4 सितंबर दोनों दिन में एडमिशन होगा। अगर कोई 3 को नहीं ले पाया एडमिशन, उनका 4 को आएगा। और फटाफट देख लेते हैं कट ऑफ कितना गया है इस लिस्ट में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगली लिस्ट कब आएगी। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, अगली लिस्ट जो आने की उम्मीद है वो 6 सितंबर को, यानी 6, 7, 8, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। आगे तो नहीं होता, पीछे हो सकता है, डिले हो सकता है, अर्ली नहीं होता है। यानी 6 सितंबर को नेक्स्ट लिस्ट आने की उम्मीद है। अब इस वीडियो में देखिए किन किन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, आप आसानी से देख सकते हैं। सबसे पहले बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट का जो लिस्ट है इसका कट ऑफ जो गया है जनरल का, वो गया है आप देख सकते हैं 33.25, ओके। और मुस्लिम कैटेगरी गया है 31.25, यानी 33.25, 31.25 जनरल और मुस्लिम के गए हैं बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट का। अब हम आगे देखते हैं बैचलर ऑफ ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट का जो जनरल का कट ऑफ गया है वो 36.5 गया है, और जो मुस्लिम कैटेगरी है 36.00 गया है। बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट के अलावा बैचलर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट का भी रिजल्ट आ गया है। तो आप देख सकते हैं इसमें कट ऑफ, राइट। उसके बाद आप देखिए कि नेक्स्ट जो कोर्सेज है उसकी कब कितनी कट ऑफ गई है। नेक्स्ट जो कोर्सेज है उसमें जनरल में आप देख सकते हैं 28.00, मुस्लिम कैटेगरी में 26.75, मुस्लिम ओबीसी एसटी में 24.75, मुस्लिम वीमेन में 24.50 और जामिया इंटरनल कैटेगरी का गया है 22.00। यानी बैचलर ऑफ वोकेशंस इन फूड प्रोडक्शन में कट ऑफ बहुत ही कम गया है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कौन कौन जो लकी कैंडिडेट्स हैं जिनका इसमें सिलेक्शन हुआ है। बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट में है जनरल कैटेगरी के 2 कैंडिडेट्स, और बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट में मुस्लिम कैटेगरी के 2 कैंडिडेट्स। और इसके अलावा आप देखिए बैचलर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट में जनरल के 3 कैंडिडेट्स, और बैचलर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट में मुस्लिम कैटेगरी के 1 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हुआ है बैचलर ऑफ वोकेशंस इन फूड प्रोडक्शन में जनरल कैटेगरी के, कम से कम 21 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है जनरल में बैचलर ऑफ फूड प्रोडक्शन में। यानी बैचलर ऑफ फूड प्रोडक्शन में स्पॉट रजिस्ट्रेशन में सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ है बैचलर ऑफ फूड प्रोडक्शन में, और कट ऑफ भी बहुत कम गई है और 21 जनरल कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। इस रिजल्ट को देखने के लिए आप मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ PDF का लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करके इस पूरे डाउनलोड कर सकते हैं, पूरे रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, या मेरे चैनल पे बने रहे आपका रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर से PDF में सर्च करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बैचलर ऑफ फूड प्रोडक्शन में जो मुस्लिम कैटेगरी के 14 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो गया, आप देख सकते हैं मुस्लिम कैटेगरी में
14 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, और बैचलर ऑफ़ फूड प्रोडक्शन में ही मुस्लिम ओबीसी एसटी का 4 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, और बैचलर ऑफ़ फूड प्रोडक्शन में मुस्लिम वेमेन का 5 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, और बैचलर ऑफ़ फूड प्रोडक्शन में जामिया इंटरनल कैटेगरी के 3 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनको कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो फटाफट आप इंतज़ार कर सकते हैं 6 सितंबर को। 6 सितंबर को अगली रिजल्ट आने वाली है, अगली लिस्ट आने वाली 6 सितंबर को, यानी 6 सितंबर 7-8 भी आगे पीछे हो सकता है, उसमें आपका रिजल्ट आएगा। इसके साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फेसबुक ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप में, सब में इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट इस चैनल को बहुत ज़रूरत है, आप इसको हेल्प कीजिए चैनल को ग्रो करने में। फर्जी फेक न्यूज़ को हटाने के लिए अच्छी न्यूज़ को बढ़ाना पड़ेगा, यानी फेक फर्जी हिंदू मुस्लिम का लड़ाई ख़त्म करना चाहते हैं तो अच्छाइयों ज़्यादा फैलाना पड़ेगा। ओके, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, चैनल का सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, हम है राही ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। जय हिंद, जय जामिया।